बिन मौसम हो रही बारिश से तो सभी परेशान है, वहीं इस बिन मौसम बारिश से कुम्हार परिवारों पर गहरा असर पड़ रहा है। इस बारिश के चलते उनका रोजगार पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है, वहीं कच्चा माल भी खराब हो रहा है। रोजगार के चलते अब कुम्हार परिवार घर छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। इस बिन मौसम बारिश से एक तरफ जहां आम लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है, तो वहीं कुम्हार परिवार के हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। हस्त निर्मित मिट्टी के बर्तन पानी में गलकर खराब हो रहे हैं। जहां एक तरफ सरकार इलेक्ट्रॉनिक चौक देकर माटी कला को बढ़ाना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ इस बारिश के चलते कुम्हार और मिट्टी के बर्तन कहीं गुम से होते जा रहे हैं। कानपुर देहात में लगातार 2 दिनों से बारिश हो रही है। ए नाती, तुम मुंडा भरो मां, मुंडा भरो। ऐसे में कुम्हार परिवार के हालात कैसे हैं, वो अपना गुजारा कैसे कर रहे हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। वीरेन कुमार, कहाँ रहते हैं? शास्त्री नगर वार्ड नंबर 8 में। लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है, आपके व्यापार के पर क्या फर्क पड़ा? व्यापार मिट्टी के कारण पहले से भी नहीं हो रहा था, अब ये बारिश की वजह से का हो सकता, मिट्टी बिल्कुल ना मिल पावे। एक महीने से दौड़ रहे हैं और आश्वासन सब देते हैं कि अब परमिट बन जाएगा, ये हो जाएगा, मगर ना परमिट बना ना मिट्टी आ पाई। अब ये सुन समझ लो, दीपावली तक कहीं अंत काम करना पड़ेगा। पानी बरसने से क्या हुआ? हाँ, पानी बरसने से नुकसान हो गया है, जो कच्चा माल था वो भी सब गल गया है, अब बंद है काम हमारे लोगों का। जो मिट्टी की भराई का कार्य करते हैं उनको जल्दी परमिशन मिल जाती है, आपको परमिशन नहीं मिली? ना, परमिशन मिलने का, जो परमिशन दिलाने वाले थे चेयरमैन साहब ने आश्वासन दिया था चुनाव से पहले, और अभी हम दौड़ के गए टाउन एरिया तो पूरा कुम्हारों का बाई टाटा ले लिया, कितने कुम्हार हैं, कितनी टाली मिट्टी चाहिए। अब ये है कि मिट्टी अब क्या दिला पाएंगे, अब तो इतनी बारिश हो गई, भीषण अगर खुलता है तो भले दिला दे, नहीं तो खत्म है काम मिट्टी का। हमारे पास कोई तालाब हो तो हम अपनी व्यवस्था कर लें स्वयं, हमारे पास तो कोई तालाब भी नहीं है तो व्यवस्था कहाँ से करें। रोटी रोटी का संकट है? हाँ, संकट है बिल्कुल, बना बनाया संकट है, दीपावली तक के लिए संकट है। जब मिट्टी नहीं हमारे पास तो हम क्या चलाएंगे कैसे, ये है। ब्यूरो रिपोर्ट, समय डिजिटल। उम्मीद करते वीडियो आपको पसंद आया होगा, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहें सहर समय यूपी उत्तराखंड के साथ।